हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं फिर से आ गया हूँ एक न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, और आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया होगा। और ये कॉन्सेप्ट मैं बहुत पहले सोचा था और टाइम नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं ये कॉन्सेप्ट बना नहीं पा रहा था। तो फाइनली बना चुका हूँ और आई होप ये पसंद आया होगा आपको, और फ्यूचर में बहुत सारा नेक्स्ट लेवल कॉन्सेप्ट आपको शेयर करने वाला हूँ। तो प्लीज़ जो लोग अभी न्यू देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो लोग देख कर भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो प्लीज़ भाई लोग सब्सक्राइब कर लेना और अपने भाई को भी सपोर्ट करना, ठीक है। और फ्यूचर में बहुत सारा मैं आपको कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ, जैसे कि हमारा बॉलीवुड का हो गया, हॉलीवुड का हो गया, और बहुत सारा डिफरेंट लेवल का, नेक्स्ट लेवल का कॉन्सेप्ट आपको शेयर करने वाला हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना, और क्या बोलते हैं, बेल आइकन को भी ऑन कर देना, और सपोर्ट करना, स्पेशली अपने भाई को सपोर्ट करना, ठीक है। तो चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, हम आ चुके हैं फोटोशॉप पर, और उसके बाद एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे। और ये डॉक्यूमेंट का साइज है 4.5 रेशियो है, और इसका जो इमेज साइज हम चेक करेंगे तो यहाँ पर जो है उसका पिक्सल वगैरह आप लोगों देख लेना, और उसके बाद ये क्रिएट कर लेना, ठीक है। और अभी हम यहाँ पर उसका जो बैकग्राउंड है उसको लेके आएंगे, ठीक है। और ये बैकग्राउंड मुझे मिला था एक वेबसाइट पर, जो कि AI वेबसाइट है, उसको हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर, ओके। जो भी मैं स्टॉक अभी यूज़ करूँगा वो AI का स्टॉक है, ठीक है। तो वो उसके वेबसाइट के बारे में अगर आपको जानना चाहिए और आपको चाहिए उसका एक वीडियो, देन मुझे कमेंट करिए, मैं उसका भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूँगा, ओके। तो ये बैकग्राउंड को हम रखेंगे कुछ इस तरह यहाँ पर सेंटर में, देन उसके बाद अपने भाई का जो मॉडल है उसको हम लेके आएंगे यहाँ पर, और इसको फिट करेंगे ट्रैक के हिसाब से, जितना हमको चाहिए उतना हम फिट करेंगे, ओके। तो इतना हो गया। देन उसके बाद ये जो चूहा वगैरह है, जितने भी है, मैं ऑलरेडी उनको कट कर चुका हूँ, तो इनको ऐड करेंगे यहाँ पर। और ये जो स्टॉक वगैरह है आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके आराम से यूज़ कर लेंगे, ठीक है। और मुझे हाँ शेयर करना है इंस्टा पर, जो लोग मुझे फॉलो किया हो तो मुझे शेयर ज़रूर करना। और मैं अभी ये जो स्टॉक, जो माउस का स्टॉक है, उसको एक एक करके अभी मैं ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखें। ओके गाइस, तो ये ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं। देन उसके बाद यहाँ पर जो भी हमने जितने वेट किए उनको उनके प्लेस में रख देना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर कंट्रोल टी प्रेस करके इसको हम स्केल डाउन करेंगे, छोटा करेंगे, और उसके बाद इसको रखेंगे ऊपर में, ठीक है। तो ऊपर में ये अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर एक लाइट है, तो यहाँ पर उसके सर पे भी जो लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, देन मुझे लगा कि यहाँ पर रखने से अच्छा होगा, ठीक है। तो ये भी एक ट्रिक है, आप लोग ध्यान में रखना, ये भी एक ट्रिक है। तो फोटो मैनिपुलेशन में सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव कहाँ पर होता है, उसका जो लाइट वगैरह होता है, लाइट एंड शेडो, वही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद इसको रख लेते हैं यहाँ पर, और जो बड़ा वाला माउस है, बड़ा वाला चूहा जो है, उसको हम रखेंगे यहाँ पर सेंटर में रखेंगे, और इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे कुछ इस तरह, थोड़ा सा बड़ा करेंगे और रखेंगे यहाँ पर, ओके। देन ये वाला जो जंप कर रहा है उसको रखेंगे यहाँ पर, तो ऐसे लगे कि यहाँ पर जो विंडो है, ये जो ट्रेन है, वहाँ से ऐसे जंप कर रहा है मुझे अटैक करने के लिए, कुछ इस तरह, ठीक है। और अभी इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, यहाँ पर हम स्मोक डालेंगे, क्योंकि ये सब जो दिख रहा है उनका जो पार्ट, छोटा मोटा कटा हुआ पार्ट है, उनको इरेज करने के लिए, हाइड करने के लिए, ठीक है। सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये फॉग जो है, ओके। तो ये सिनेमेटिक लुक भी देता है, और सभी चीज़ को ये छुपा सकता है, ओके। तो इसको ऐड करेंगे कुछ इस तरह, यहाँ पर सेंटर में ऐड करेंगे, देन इसको लेके जाएंगे सबसे पीछे, ओके। इसको यहाँ पर रखेंगे, एक्चुअली मेरा जो मॉडल है उसको ऊपर रखना चाहिए सर, कुछ इस तरह, ओके हो गया। देन यहाँ पर इसको हम इरेज करेंगे, ठीक है, हल्का हल्का स्लाइटली इरेज करेंगे,
देन यहाँ पर एक न्यू लेयर लेते हैं और यहाँ पर इनका जो पैर जो अजीब दिख रहा है ना उसको हम क्या बोलते हैं हाइड करेंगे, ठीक है, फॉग से हाइड करेंगे। तो ये वाला मैंने कलर चूज़ किया ग्रे कलर, देन ओपेसिटी को कम करेंगे, इसको अभी हम मैन्युअली ब्रश करेंगे। तो गाइस ये हो गया, आप लोग देख सकते हो अभी बहुत ही अच्छा दिख रहा है, सिनेमैटिक लुक दिख रहा है, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा फोकस में लाने के लिए, ये जो बीच का जो बड़ा वाला माउस है उसको फोकस में लाने के लिए उसके पीछे जो बैकग्राउंड है उसको भी हल्का सा हमको लाइट करना है, ठीक है, थोड़ा सा स्मोक उधर भी देना है। तो यहाँ पर हम भी देते हैं उसके पीछे हल्का हल्का स्लाइटली, ठीक है, कुछ इस तरह। तो अभी देख सकते हो बहुत ही अच्छा दिख रहा है, ठीक है। तो उसके बाद इसको भी ऊपर वाला थोड़ा उसको भी हाईलाइट करेंगे, ओके। तो ये हो गया बिल्कुल सही है अभी। देन उसके बाद और एक न्यू लेयर लेंगे एंड अभी ब्लेंड मोड को रखेंगे ओवरले और यहाँ पर इसका जो लाइट है उसको भी हम थोड़ा हाईलाइट करेंगे, थोड़ा ग्लो करेंगे, ठीक है, कुछ इस तरह। क्योंकि ग्लो करने से पता चलेगा ना यहाँ पर ऐसे लाइट आ रहा है, उनके ऊपर जो लाइट पड़ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर एक और न्यू लेयर लेंगे एंड उसके बाद यहाँ पर ओपेसिटी कम करके इसको इसे ब्रश करेंगे, ठीक है, ऐसे लगे कि लाइट का लाइट ही आ रहा है, ओके। तो ये हो गया। देन उसके बाद यहाँ पर जो ऊपर वाला है उसका जो पैर यहाँ पर दिख रहा है तो इसको हम इसे यहाँ पर जो ये जो पैर है उसको हम कट कर लेंगे, तो ऐसे लगे कि उसके पीछे ट्रेन के पीछे। देन यहाँ पर अभी अजीब दिख रहा होगा आपको क्योंकि ये जो ज़्यादा ही ये कॉन्ट्रास्ट वो दिख रहा है, देन इसको हम थोड़ा इसका ओपेसिटी लेवल कम करेंगे, देन ये वाला कलर को हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये सब जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ठीक है, तो ये सब आप लोग यूज़ करना किसी भी कॉन्सेप्ट को बनाने में, ठीक है। देन इसको हम ओपेसिटी को कम करते हैं, ठीक है, उसका, क्योंकि ऐसे लगे कि वो सच में उधर ही स्टैंडिंग हुआ है, कुछ इस तरह, ओके। तो आप लोग देख सकते हो अभी कैसा दिख रहा है, देन इसको हम हाइड करेंगे तो अभी कैसा दिख रहा है, ठीक है। तो ये एक छोटा छोटा ट्रिक है, ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। देन यहाँ पर एक और एक न्यू लेयर लेंगे और इसका एक शैडो क्रिएट करेंगे, हल्का हल्का शैडो स्लाइटली करेंगे, ठीक है, ऐसे, ओके। देन उसके बाद इसको थोड़ा सा कम कर लेंगे, कुछ इस तरह, ओके। तो अभी हो गया इसका काम ख़त्म। देन उसके बाद ये जितने भी माउस वगैरह है तो उनको भी थोड़ा थोड़ा हाईलाइट करेंगे, थोड़ा थोड़ा स्लाइटली। ओके गाइस, तो इनका काम हो चुका है, अभी करना है मेरा काम, ठीक है, जो कि आपके भाई का है। तो उससे पहले यहाँ पर एक न्यू लेयर लेंगे और यहाँ पर ज़्यादा लाइट दिख रहा है मेरे बॉडी पर, बहुत ही ज़्यादा लाइट है। देन यहाँ पर सॉलिड कलर में जाकर ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेंगे, देन इसको ओपेसिटी नहीं, उसका जो फील है उसको कम कर लेंगे, ओके। मैं ज़्यादातर फील ही कम करता हूँ, ओपेसिटी कम नहीं करता हूँ, तो फील को कुछ इतना रखेंगे, ठीक है, इतना 36, 34, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर ऊपर देख सकते हो यहाँ से लाइट आ रहा है, देन तो लाइट मेरे ऊपर पड़ना चाहिए, मेरे यहाँ पर शोल्डर में पड़ना चाहिए। तो इसको जो भी पार्ट जो ब्लैक जो हमने अभी कलर दिए थे उसको हम इरेज करेंगे, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर ऐसे लगे कि ऊपर से लाइट आ रहा है, ओके। ये सब भी इम्पोर्टेंट पार्ट है और ये भी ध्यान में रखना है आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लाइट का बहुत ही काम हो रहा है, देन लाइट की वजह से ही फोटो अच्छा लगेगा, ओके। तो इसको हम इरेज करेंगे, जहाँ पर भी हमको चाहिए लाइट देना उसको भी
हम ऐसे ही रेस करेंगे। ओके ओके, बस इतना इतना सही है। देन उसके बाद यहाँ पर एक न्यू लेन फिर से लेंगे। देन इसका ब्लेंड मोड को रखेंगे कलर, और ये वाला कलर सेलेक्ट करेंगे ग्रे जैसा जो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सॉलिड कलर में जाके इसको कलर कर लेंगे, और इसका फील को थोड़ा कम करेंगे, ज़्यादा ग्रीन नीचे आता, देन इसको कम कर लेंगे, ठीक है। तो अभी सही है, बैकग्राउंड के साथ थोड़ा बहुत मैच कर रहा है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बैकग्राउंड के साथ कलर मैच करना। ओके, तो यहाँ पर ये जो बैकग्राउंड है, ठीक है, उसको भी थोड़ा हम कलर करेंगे, तो इसको भी हम कुछ इस तरह कलर कर लेंगे, और इसका फील जो है उसको भी थोड़ा हम कम कर लेंगे थोड़ा सा, देन ऐसे लगेगी सब एक साथ मिक्स हो रहे हैं। ओके, तो ये हो गया। और उसके बाद ये जो मैं जो बैग ऐड किया हूँ उसको हम ऐड करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसे टाइप का बैग मेरे पास नहीं था, तो इंटरनेट का मैंने मदद लिया हूँ, तो ये बैग हम ऐड करेंगे। तो गाइस आप लोग देख सकते हो, मैं यहाँ पर बैग ऐड कर चुका हूँ, और उसके बाद वहाँ पर शर्ट वगैरह सब कुछ दे चुका हूँ, ठीक है। आप लोग देख सकते हो ये रेडी हो गया है अभी, और उसके बाद अभी हाथ में बैग को ऐड करना, ठीक है। सो गाइस ये भी ऐड हो चुका है, ठीक है, और इसको भी यहाँ पर जो शैडो वगैरह मैं ऑलरेडी दे दिया हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर कुछ पार्ट बच गया ये वाला स्मोक का, तो इसको भी हम इरेज कर लेंगे, क्योंकि अजीब दिख रहा है यहाँ पर ट्रैक पर, तो इसको भी हम कुछ इस तरह इरेज कर लेंगे। ओके, तो ये हो गया। और उसके बाद यहाँ पर जो बैकग्राउंड में जाके अपने भाई का जो शैडो है, मतलब कि मेरा शैडो है, उसको हम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से लाइट आ रहा है ऊपर से भी और उधर से भी आ रहा है, तो हम सिंपली ऐसे स्ट्रेट कर लेंगे, ठीक है, लाइट को, ठीक है, कुछ इस तरह स्ट्रेट लाइट जैसे आ रहा है ना, वैसे उसका शैडो दे देंगे। तो ये हो गया कुछ इस तरह। ओके, तो उसके बाद यहाँ पर इसको थोड़ा डार्क करना है, क्योंकि अजीब दिख रहा है, देन शैडो के साथ भी मैच नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक न्यू लेयर लेंगे, और यहाँ पर जो उसका जो कि मेरा जो सू है उसको हम थोड़ा डार्क करेंगे कुछ इस तरह। ओके, तो ये हो गया, देन इसका काम ख़त्म। और उसके बाद यहाँ पर कुछ मैंने सोचा था ऑलरेडी, कुछ जो स्कल जो लोग मरे हुए होंगे उनका स्कल एंड बोन गिरा हुआ होगा, ऐसे कुछ मैंने सोचा था, और ये कॉन्सेप्ट बनाया हूँ उसके बेस्ट में, ये सब मैंने स्टॉक ऑलरेडी कट कर दिया था, ठीक है। तो इसको हम अभी यूज़ करने वाले, तो ये दोनों साइड पर हम ऐड करेंगे, और ऐसे लगे कि ये जो टनल है यहाँ पर कोई नहीं जाता, जो भी जाता ऐसे मर जाता, ऐसा वाला सीन है, ठीक है। तो इसको हम ऐड करेंगे कुछ इस तरह, ठीक है। तो एक एक करके बहुत सारा हम स्कॉल ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग एक एक करके सभी स्टेप को ध्यान से देखना।
देन अभी सही है, सही लग रहा है, ठीक है। और उसके बाद अभी इनको हम क्लोज कर लेंगे। ओके, अभी ऐड करना है हमारा जो कैट है उसको हम ऐड करेंगे, ठीक है। ओके गाइज, तो ये हो गया, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद ये जो ये सब चूहे जो है वो थोड़ा अजीब टाइप का है ना, जैसे कि मॉन्स्टर जैसा है, तो इनको अजीब खतरनाक लुक देने के लिए उनके जो आईज है, उनके जो आँख है, उनको हम थोड़ा रेड करेंगे, ठीक है। रेड कलर करने से और भी ज़्यादा डेंजर लगेंगे, तो यहाँ पर कलर सेलेक्ट करेंगे रेड कलर, ठीक है, थोड़ा सा डार्क रेड सेलेक्ट करेंगे। ओके गाइस, तो ये हो गया, आप लोग देख सकते हो बहुत ही मस्त लग रहा है। और उसके बाद यहाँ पर फिर से एक न्यू लेयर लेंगे, देन इसका जो साइड एरिया है, यहाँ पर जो राउंड एरिया है उसको थोड़ा थोड़ा डार्क करेंगे, ठीक है। क्योंकि क्यों डार्क कर रहा हूँ आगे जाके बताऊँगा, ठीक है। तो ये देख सकते हो डार्क कर रहे हैं, ठीक है, तो इतना तक सही है। ओके, अब उसके बाद यहाँ पर इसका थोड़ा कलर करेंगे, सभी चीज़ को कलर करेंगे एक साथ, ठीक है। तो यहाँ पर जाके इसको हम ये जो कलर बैलेंस है उसको हम यहाँ पर इसको कलर करेंगे। ओके गाइस, तो ये हो गया, आप लोग देख सकते हो मुझे चाहिए था थोड़ा सा डार्क ब्लू जैसा, जो हॉरर मूवीज में जैसे होता है वैसा कलर टोन चाहिए था, तो आप देख सकते हो ये सही है। और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा बहुत हम जाली ऐड करने वाले हैं, स्पाइडर वेब ऐड करने वाले हैं, क्योंकि ओल्ड वाला जो पुराना ये टनल है तो यहाँ पर इसे जाली रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसको भी हम ऐड करेंगे, ठीक है। ओके गाइस, तो ये हो गया। और उसके बाद अभी इसको हम राइट क्लिक करके इसको मज विजिबल कर लेंगे, एक साथ मिक्स कर लेंगे। देन इमेज में जाके एडजस्टमेंट में जाएंगे, ब्राइटनेस पर जाएंगे, और यहाँ पर इसको ब्राइटनेस बढ़ाएंगे, सॉरी कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाएंगे। देन उसका ब्राइटनेस को थोड़ा सा लुका से इंक्रीज करेंगे, ठीक है, लाइक 9 तक, ठीक है। तो ये हो गया, तो आप लोग देख सकते हो ये फोटो कम्प्लीट हो चुका है। और आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना गाइस, और जो लोग सीखना चाहते हो तो प्लीज़ उनको भी वीडियो शेयर कर लेना, ओके। और फ्यूचर में बहुत सारा इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल्स आपको शेयर करने वाला हो, तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहना, ओके। तो गाइस, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग बहुत सारा ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर।